बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एस्कॉल पेट्रोलियम के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी इसके एनालिसिस कर चुका हूँ, और इनफैक्ट मैंने इसका फंडामेंटल भी शेयर किया था सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली व्हाट्सएप पे भी मैंने इसका शेयर किया था फंडामेंटल काफी अर्से पहले, जब इसकी प्राइस 8 रुपए के अराउंड ही चल रही थी, 8-9 रुपए के अराउंड। तब भी मैंने कहा था कि इसके लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, और उसी में हमने थोड़ा सा फर्क देखा, इसके एक्सचेंज लॉसेस काफी थे। तो मैं आपको सबसे पहले ये अभी इसमें इसका एनालिसिस शेयर करने की वजह ये है कि जो भी रिजल्ट आया है रिसेंटली, मैं आपको अभी साथ साथ रिजल्ट भी बताता रहता हूँ। रिसेंटली जो रिजल्ट आया है उसमें देखें, इसके जो पहले जो क्वार्टर आया था 2023 में 31 मार्च, उसमें लॉस था 7.110, 7 रुपये 10 पैसे का लॉस था। इस दफा जो इस क्वार्टर में जो है वो 1 रुपये 74 पैसे का हमने लॉस देखा, मतलब तकरीबन समझे इसमें 75.5% या 75%, एक राउंड फिगर में ले लें, 75% डिक्रीज देखा है लॉस में। वजह क्या हुई इसकी? वजह सेल्स नहीं है, सेल्स देखें तो ड्रॉप हुई है, ठीक है, या 31 मिलियन या 2023 में, और 2024 में 27 मिलियन है सेल, तकरीबन 14% ड्रॉप हुई है, कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है फिगर ये इतना चलता है, ठीक है, इतनी रेंज आती रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी वजह जो जो इसका ड्रॉप हुआ है लॉस पर शेयर, वो है इसका इंक्रीज इन अदर इनकम, ठीक है। ये देखिए, ये अदर इनकम में हमने इंक्रीज देखा है तकरीबन 700% समझ लें, 698% है, 700% अपने इसमें इंक्रीज देखा है, और 107% या 100% नॉन फिगर में ले लें, एक्सचेंज गेन मिला है इसको, ठीक है ना। इससे पहले भी देखें एक्सचेंज लॉसेज थे, मैंने कहा था इसके लॉसेज काफी ज्यादा है, एक्सचेंज लॉसेज भी हैं, और अदर इनकम में भी हमने इतनी इंक्रीज नहीं देखा। इस दफा हमने ये, इसकी सबसे बड़ी वजह ये दोनों है, सेल्स नहीं है। मैंने इसका भी जिक्र किया था साथ साथ कि ड्रॉप हुई है सेल, तो ज्यादा एक्साइटेड अभी होने की जरूरत अभी फिलहाल इसलिए नहीं कि इसका वर्किंग कैपिटल अभी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और अभी अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ, जो मैंने पहले शेयर किया था, ठीक है ना। इसका मैंने फंडामेंटल शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि इसके जो लाइबिलिटीज हैं वो 130 बिलियन रुपीज हैं, ठीक है ना, 130 अरब रुपए हैं, ठीक है, जिसमें से इसकी जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 55 अरब रुपए बनते हैं। तो मैं अक्सर फंडामेंटल शेयर जो है मुख्तलिफ शेयर्स के कभी भी होता है तो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसमें सबसे जो मेरा जो कोर जो है वो होता है वो फंडामेंटल का, वो ये है जो सबसे बड़ी बेसिक चीज है जो सबको समझनी चाहिए कि लाइबिलिटीज जो वेल कवर्ड होनी चाहिए बाय इस एसेट्स, ठीक है ना, उसके एसेट्स के से कवर होनी चाहिए लाइबिलिटी, क्योंकि एट द एंड अगर फर्स्ट समझे अगर वाइंड अप हो रहा होता है तो बिजनेस, तो समझे एसेट्स जाहिर सी बात है सेल होते हैं, तो लाइबिलिटीज देने के बाद उसके पास क्या बचता है तो उस पर ये डिपेंड करता है। तो अभी इस पर तो इसके पास वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नहीं है, और दूसरा जिस तरह मैंने बताया था 130 अरब रुपए का जो है इसकी लाइबिलिटीज, और 55 अरब रुपए के एसेट्स हैं। अगर हम इसको माइनस करते हैं 55 अरब रुपए हम एसेट्स बेच देते हैं और उसको दे देते हैं 130 अरब में, तो फिर भी 75 अरब रुपए इसने देने हैं एस्कॉल ने। तो देखिए इसका जो यह शेयर आ रहे हैं वो 99 करोड़ है, अगर हम इसको 1 अरब भी ले लें तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करें तो 75 अरब 75 रुपए पर शेयर इसका लॉस आ रहा है अभी भी। मैं आपको अभी बता दूं इसकी वजह, यही वजह है, ठीक है ना, फंडामेंटल आपको बता दिए, यही वजह है कि इसमें अच्छे अनाउंसमेंट आने के बाद जो है इसमें हमने इतना वॉलेटिलिटी नहीं देखी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से ये अपर सर्किट ब्रेक करेगा और शायद लॉक भी ना खुले, तो इसमें जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी देखें बहुत अच्छे, हमने अगर इस वीक में देखें तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए थे, 79.6 मिलियन अच्छा खासा हुआ था अगर हम देखें तो, ये काफी अरसे बाद जो इतना यहाँ हुआ था 71, ठीक है ना, ये यहाँ पे सेलिंग आई थी 71 मिलियन की, इसके बाद जो है ये 79 हमने मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे विक बनती हुई देखिए, रिजेक्शन आई है, ठीक है ना, इसका हाई किया इसी वीक में, इसका हाई था 7 रुपए 23 पैसे, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल की तरफ, ठीक है, अब हम टेक्निकल से समझेंगे कि वजह क्या हुई इतनी बड़ी रिजेक्शन की। मैंने आपको एक तो वजह तो पहले फंडामेंटली बता दी, ठीक है, अब उसमें ये देखें वजह क्या हुई, मैं आपको बता दूं, वजह ये है कि यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे ये 7 रुपए 35 पैसे पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड, वैसे तो देखें ये 7 रुपए 30 पैसे 29 पैसे 30 पैसे बनता है, मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड, जब तक ये 7 रुपए 35 पैसे सस्टेन नहीं करता है तो ये मजीद अपसाइड नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, यहाँ पे रिजेक्शन आएगी। और देखें अभी हो सकता है आने वाले में फिर ये 7:35 भी दिखाए तो वहां से भी रिजेक्शन आ सकती है, काफी पॉसिबल है। तो चलें वीकली पे हम सबसे पहले इसका हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे लाइन चार्ट की मदद से। अगर हम देखें तो ये वैसे तो देखें इसने हाई किया था ये 10 रुपए 29 पैसे का, लेकिन लाइन चार्ट देंगे आपको सारा ये नॉइज जो क्लियर कर देते हैं। देखें ये एक्चुअली है 9 रुपए 36 पैसे, यहीं से हम इसकी ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसको हम ये वाली हायर साइड पे लेंगे, देखिए आपको देखें ये लोवर हाई बनाते हुए नीचे, अब यहाँ एक्यूमुलेशन फेज पे चल रहा है, एक्यूमुलेशन फेज इसका एक्चुअली 6 रुपए 36 पैसे लेके 6 रुपए 3 पैसे तक, और इसका पिविटल पॉइंट जो है वो 6 रुपए 58 पैसे जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है 6 रुपए 58 पैसे, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें यहाँ तक ये आपको एक नैरो बैंड में आपको दिखाई देगा ये ट्रेड करता हुआ, ठीक है। 6 रुपए 3 पैसे से लेके 6 रुपए 36 पैसे और 6 रुपए 58 पैसे, ये मैं वीकली की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। क्लोजिंग देखें ये वीकली की क्लोजिंग है, आपको लाइन चार्ट पूरा क्लियर कर देगा, मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। कैंडल देखें कहाँ पे कितनी बड़ी रिजेक्शन है, लेकिन क्लोजिंग यही आ रही है, ठीक है। लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग देखें, अगर हम ये भी देख लें 6 रुपए 67 पैसे टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको हम यहाँ ले जाते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। वीकली क्लोजिंग या वीकली सस्टेनेबिलिटी 6 रुपए 65 पैसे पे नहीं आती है तो आपने इसको ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना है, अभी आप फिलहाल इसमें ट्रेड करते रहें। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, इसमें फ्लक्चुएशन आती है डेली पे भी, डेली पे ही आप देखें फ्लक्चुएशन आती है तो आप डेली पे, ये मैंने आपको जैसे बताया कि 6 रुपए 36 पैसे से लेकर 6 रुपए 3 पैसे तक आप यहाँ कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका लो था 6 रुपए 10 पैसे, ये आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये ग्रीन लाइन ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये सपोर्ट है। एक अलग अलग कलर देने से ये होता है कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाती है, ये चीजें। अब आप देखें कि वीकली पे अभी इसको सस्टेन नहीं कर पाया 6 रुपए 65 पैसे को, इसी वीक में उसने हाई भी किया 7 रुपए 23 पैसे के अराउंड, फिर ये इसने नीचे क्लोजिंग भी दे दी इसी वीक में। तो जिस तरह मैंने आपको बताया वजह यही थी कि सेल्स में इजाफा नहीं हुआ है और अभी भी इसके लॉस जो है 75 रुपए पर शेयर है, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या, आप जो लॉन्ग जिन्होंने बहुत हाई रेट पे लिए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो क्या करें, वो अपना डिसीजन खुद ले लें किसी और शेयर पे जिनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, जिनके बिजनेस चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी फॉर सपोज बीच में अभी हमने CWSM चकवाल स्पिनिंग में देखा, उसने बिजनेस चेंज किया और कितना बड़ा हमने उसमें गेन देखा। इस तरह अभी KOCM की भी खबरें हैं, कोइनोर स्पिनिंग मिल की, भाई वो बिजनेस चेंज कर रहा है, माइनिंग बिजनेस में आ रहा है। तो ऐसे किसी स्टॉक में आप जो है या जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटल को बताया उसको जो मेन कोर है वो यही है कि एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी जो है वो एसेट्स से वेल कवर्ड हो, ऐसा कोई आप स्टॉक देख लें उसमें हम अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, या रिजल्ट आप दूसरे स्टॉक के देखते रहे इसी रेंज में जो 6 रुपए हैं 7 रुपए हैं या इससे कम है, जिनकी ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है अच्छी, उनमें आप या बिजनेस चेंज हो रहा है उस पर आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखें अभी इसमें तो कोई अभी इतना बड़ा जंप हम नहीं देख सकते कि ये अनलेस और अनटिल, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं अनलेस और अनटिल ये 7 रुपए 35 पैसे इनिशियली सस्टेन नहीं करता, इसके बाद तो फिर ये देखें मुख्तलिफ मराइल आएंगे, ठीक है। तो अभी चले वीकली तो मैंने आपको बता दिया, डेली पे भी आपके साथ मैं थोड़ा सा चार्ट ट्रेंड लाइन शेयर कर, डेली में देखें अब हमने यहाँ पे देखें डिक्लाइन के बाद यहाँ से हमने थोड़ा बुलिश लेग देखा है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ डेली पे भी हम इसकी एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे हम डेली पे बना लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा समझने के लिए इसको, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे एक हमने ये ले ली, इसको मैं अलग कलर डेली का अलग कलर दे देता हूँ ट्रेंड लाइन का। ये देखें वीकली की ट्रेंड लाइन है, वीकली की ट्रेंड लाइन आ रही है 7 रुपए 28 पैसे 30 पैसे, जिस तरह मैंने CBR का जो लेवल बताया है वो 7 रुपए 35 पैसे है, तो ये अच्छा इसको इसका वेट करें यहाँ पे इसके ब्रेकआउट का, वरना तो ब्रेकआउट तो आपको यहीं से मिल जाएगा 7 रुपए 28 पैसे से 30 पैसे से, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है डेली का देखें ब्रेकआउट 6 रुपए 99 पैसे या 7 रुपए समझ लें,
मैंने यहाँ 6 रुपये 90 पैसे का दिया हुआ है, ठीक है। ये भी अगर करता है 6 रुपये 90 पैसे सस्टेन करता है डेली पे, आप एंट्री ले लें फॉर फर्दर अपसाइड। सस्टेन का मतलब ये है कि आप इसको देखें, एक दो दिन देखें या अगर एक हफ्ता भी देख ले तो अच्छी बात है। हाँ, अगर ये डेली बेसिस पे जा रहे हो, अपर कैप की तरफ जा रहे हो, तो फिर आप फॉरन जैसे तो ब्रेकआउट के बाद आप फॉरन जैसे यहाँ पे देखें 6 रुपये 97 पैसे 98 पैसे, और ये तोड़ता हुआ जा रहा है अपर अपर कैप की तरफ, क्योंकि वो डेली पे तो ये भी तोड़ देगा, तो आप एंट्री ले लें फॉरन, ठीक है। वरना अदरवाइज ये जब तक 6 रुपये 98 पैसे या 7 रुपये को सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, या इवन वही टू बी ऑन द सेफ साइड बोल रहा हूँ 6 रुपये 90 पैसे, बहुत जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी डेली पे, तो ये सस्टेन नहीं करते, तो आप मजीद इसमें अपसाइड नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते थोड़ा सा इसको मैं स्पेंड करके आपको डाउन साइड पे भी बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमने डाउन साइड वाला ले लिया। डाउन साइड पे वही अगेन ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो 6 रुपये 20 पैसे है, मैंने यहाँ 6 रुपये 10 पैसे दिया, वीक बन सकती है ऑब्वियसली, तो इसको मैं आप अपर साइड पे ले आता हूँ थोड़ा 6 रुपये 20 पैसे पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमारे पास आ गई, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्योंकि 7 रुपये है तो 6 रुपये 90 पैसे हम सीपीआर का लेवल ही लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके आवली चार्ट पे, कि ये ऐसा क्या हुआ इसमें आवली चार्ट में, हमने आखिर में क्या देखा, देखिए आखिर में भी हमने सेलिंग ही देखी है, ठीक है। लास्ट आवर में भी हमने यहाँ पे सेलिंग देखी है, ठीक है। तो अभी इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल है, देखें यहाँ पे ये यहाँ पे भी हो सकता है शॉर्ट शॉर्ट ग्राफ में, जैसे हमने देखा कि यहाँ अपर साइड पे 6 रुपये 80 पैसे और इवन 6 रुपये 90 पैसे यहाँ पे दिखा सकता है, लेकिन अभी इस वक्त हम देखें तो ये यहाँ पे ये वाला 6 रुपये 90 पैसे जो मैंने अभी बताया था आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अदरवाइज अगर यहाँ देखें तो ये 6 रुपये 80 पैसे 6 रुपये 78 पैसे ये वाला जो है, मैं आपको थोड़ा सा और मैं आपको ये एक्सपेंड करके बता दूं, ये कि मैं आपको सारे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ ताकि आप इसमें ट्रेड, अभी इसमें कोई लॉन्ग पोजिशन ज्यादा लॉन्ग की जरूरत, लॉन्ग टर्म जैसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो तो बिल्कुल ही अभी इस वक्त ना करें, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि ये फंडामेंटली अभी भी बहुत वीक है। अच्छा, इसमें कुछ पार्टीज इंटरेस्टेड थी, मिल्लत ग्रुप, मिल्लत होल्डिंग है, ताज पेट्रोलियम है, हाँ, अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कुछ तो उसका मैनेजमेंट लेने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं, कोई सॉलिड मटेरियल इसकी हमारे पास से अभी आई नहीं मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो देखें अभी इस वक्त 6 रुपये 80 पैसे, देखें यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, इवन ये भी ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, ये मैं आवाली चार्ट का बता रहा हूँ। और यहाँ देखें ये थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये वापस नीचे आया स्टॉक, तो उसकी वजह यही थी, ठीक है, कि लॉसेस जो है वो कवर हुए हैं एक्सचेंज गेन्स की वजह से और अदर इनकम की वजह से, ठीक है। अब हम यहाँ देख लें 6 रुपये 60 पैसे जो है, हालांकि इसने लो किया था 6 रुपये 54 पैसे का, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दो लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपके नेक लाइन सपोर्ट भी बता देता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इसको भी चले यही कलर दे देते हैं पिविटल का ही, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वहां पास एक रेंज आ जाएगी पिविटल की, ठीक है, 6 रुपये 65 पैसे से लेकर 6 रुपये 60 पैसे, ये पिविटल रेंज है, ठीक है। अगर इसको सस्टेन करता है 6 रुपये 65 पैसे को, तो ये 6 रुपये 80 पैसे और इवन 6 रुपये 90 पैसे दिखा सकता है। फिर इस तरह इसको अगर 7 रुपये मेंटेन करता है तो ये आगे जाके 7 रुपये 30 पैसे 35 पैसे, फिर इसके आगे जाके फिर हम वापिस आते हैं वीकली पे, ये कहां तक जा सकता है, अपसाइड कितनी मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। हम अब फिर दोबारा लाइन चार्ट लेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे एक ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, जो हम अक्सर हम दो तीन टूल ही जो है यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाती है, जिसमें मेरी प्रैक्टिस है वही मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप एलियट वेव जो भी आप करते हैं वो अपना उसको यूज करें, लेकिन जो मुझे फॉलो करें जो सीख रहे हैं वो उसी हिसाब से जो मैं यूज कर रहा हूँ वही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, किसी और की तरफ ना जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये एक अच्छा लेवल है, देखिए 7 सिंक्रोनाइजेशन देखें आप इसकी, 7 रुपये 35 पैसे एग्जैक्ट यही फिगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक
और यही इसके ऊपर जो है, अगर इसको भी टच करता है ठीक है, यहाँ पे अभी तो किया तो नहीं है 7 रुपये 35 पैसे, फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 6 रुपये 90 पैसे पे। 7 रुपये 35 पैसे टच करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अभी ऑल दो के यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम बना था, तो यहाँ 7 रुपये 35 पैसे का आप 6 रुपये 90 पैसे 87 पैसे यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। हमेशा रहेगा ये जितने भी मैंने बताया हर जगह एंट्री, ये सब एंट्री पॉइंट है विद स्टॉप लॉस ठीक है। तो फिर हम ये आने वाले दिनों में ये वही जो इनवर्स है गोल्डन रेशियो का, ये हम देख सकते हैं 8 रुपये 11 पैसे ठीक है, ये 8 रुपये 10 पैसे कर देता हूँ, ये हमारा फिर अगला टारगेट होगा। और इसके बाद जो है फिर 8 रुपये 66 पैसे ठीक है, ये टारगेट होगा। हालांकि इसमें ये 8 रुपये 40 पैसे वाला टारगेट जो है ना बड़ा, ये 8 रुपये 40 पैसे ये मैं दे रहा हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ठीक है, ऑल दो के पर्पल में टारगेट है ऑब्वियसली। यहाँ पे ये 8 रुपये 40 पैसे 8 रुपये 10 पैसे से लेकर 8 रुपये 40 पैसे आपको दिखा सकता है ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फिर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, देखें रिजेक्शन आती है तो फिर ये स्टॉक नीचे मिलेगा। 8 रुपये 40 पैसे अगर सस्टेन करता है, अगला जो मैं आपको बता दूं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री होगी वो फिर ये होगी 8 रुपये 66 पैसे 8 रुपये 40 पैसे, फिर इसके बाद हम 9 रुपये 35 पैसे देखेंगे। 9:35 के बाद जो है फिर ये 11:36 दिखाएगा आपको, ये इंशाल्लाह ये वाला लेवल होगा। और फिर इसके बाद जो है 14 रुपये 61 पैसे या 60 पैसे समझ लें, ये वाला लेवल होगा ठीक है। तो अभी इस वक्त समझे कि ये आफ्टर रिजेक्शन जो है 10 रुपए, वैसे तो देखे 10 रुपए तक गया था 10 रुपए 30 पैसे, लेकिन यहाँ पे देखे 9 रुपए 35 पैसे के रिजेक्शन के बाद यहाँ पे एक हमने कुछ बुलिश लेग बनते हुए देखा, एक्यूमुलेशन चल रही है ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये डिफॉल्टर काउंटर में अभी भी लेकिन इसने अपने अकाउंट जो है वो आप जो है शेयर किए आप लोगों के साथ अकाउंट, इसके अंदर इश्यू था ऑडिट का, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं अभी फिलहाल जब तक कि जो मैंने आपको लेवल बताया वो ब्रेक ना हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।